तो गाइस इस टाइम चल रही है बहुत तगड़े वाली कंट्रोवर्सी एल्विश यादव वर्सेस आसिम रियाज को लेकर। अब हुआ कुछ ऐसा कि आसिम रियाज गए थे एक कॉन्सर्ट में, वहां पर वो इनडायरेक्टली एल्विश यादव को टारगेट करते हुए दो तीन वर्ड बोले और उसके बाद उनको मिडिल फिंगर भी दिखाई। आप लोग खुद देख सकते हो। जितने भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं लाइव आके नंबर गिन के बिग बॉस 13 के बाद सारे जो भी आ रहे हैं ना सबको मेरा शुक्ला के रिकॉर्ड तोड़ना है, उनको समझा दो नहीं हो पाएगा। अब इस चीज के ऊपर एल्विश यादव अपने व्लॉग में काफी कुछ चीजें बोले उनको लेकर, और भाई मतलब इनडायरेक्टली में ये भी कहा कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, काफी कुछ कहा, आप लोग खुद देख सकते हो। नाम नहीं लूंगा मैं, पर हमारे बिग बॉस के कुछ एक्स कंटेस्टेंट भाई यार का यार टाइम चला गया, भाई यार अब क्लाउट लेने के लिए देखो गलत सलत नाम ले रहे हैं और फिर मिडल फिंगर वगैरह दिखा रहे हैं। एक भाई हमारे कहीं क्लब क्लब में जाकर कुछ कुछ कहता बताया मेरे बारे में, यार नुकरो कंट्रोवर्सियों से बहुत दूर है ना, किसी का नाम लेते हैं अब कि भाई वो खराब कर रहा है ये कर रहा वो कर रहा, हम अपने से मतलब रखते हैं कि भाई हम अच्छे से ग्रो करें, ये नहीं कि टाइम चला गया तो हाथ मारे आ गया कि किसी को गाली पक देता हूँ ऊपरली साइड से वो ऐसा कुछ होगा तो हाइप आ जाएगी वो आ जाएगी। इन चीज़ों से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ गया, तो देखो हमारे सामने करो तो हम देखें अभी ढंग से कौन सी उंगली उठ रही है कौन सी दबानी है। उंगली उठेगी तो पीछे ही जाएगी, सामने उठाई तो ऐसे तो कुत्ते दुनिया जगह भौंका है भाई, ना हमने किसी से लेना देना ना हम किसी की बुराई करते, पर अगर कोई फालतू पंडित की बकवास करा फिर हम छोड़ते भी नहीं। इतना ही था तो मैसेज कर देता, इतनी खुड़ा कर जलन हो रही थी तो, पर कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं कि उसका दिमाग है इतना उसको ये सब चीजें समझ आए, घना वॉयलेंट है हमारा भाई घना। अब आसिम रियाज ने सिद्धार्थ की साइड लेके थोड़ा एल्विश यादव को ट्रोल किया था, तो इस चीज के ऊपर शहनाज गिल ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो शहनाज गिल भी अपने यहाँ पर इंस्टाग्राम पर कुछ ये बोली, आप लोग देख सकते हो कि मतलब आसिम रियाज पहले ऐसी करता था कि सिद्धार्थ का नाम लेके फेम लेता था और इस टाइम एल्विश का नाम लेके फेम ले रहा है तो शेम ऑन यू, वो ऐसे आसिम रियाज को बोली। ये ट्वीट जो है मतलब ये जो पोस्ट है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ये फेक है। शहनाज गिल ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा एल्विश यादव और आसिम रियाज को लेकर। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई शहनाज गिल ये रिएक्ट करा, ये यहाँ पर पोस्ट वगैरह ये दिखा रहे हैं, मैंने हर जगह रिसर्च कर रही मुझे कोई ऐसी पोस्ट नहीं मिली, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला, तो ये पोस्ट जो है वो बिल्कुल फेक है। अभी तक यहाँ पर शहनाज गिल ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, जैसे वो रिएक्ट करेंगे फिर कुछ इस कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर कुछ और आसिम रियाज वगैरह रिएक्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जेन्युइन और बिल्कुल इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलेंगी इसलिए कर लेना ठीक है ना। बाय।